ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि कभी कभी किसी इंसान की अचानक मौत हो जाने पर उसे यकीन ही नहीं हो पाता कि वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक भटकती हुई रूह है, और ऐसे में उसके पास अपना कहने को सिर्फ उसकी अतृप्त इच्छाएं ही बचती हैं, इच्छाएं जिन्हें पूरा करने के लिए वो रूह कुछ भी कर गुजरती है। और ईश्वर न करे कि कभी आप जाने अनजाने उस रूह और उसकी अतृप्त इच्छाओं के बीच में आ जाएं। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी दिल्ली के अनिल राठी की आप बीती है, जिन्हें अचानक एक खौफनाक सच से टकराना पड़ा। पर क्या आप उस सच का यकीन करेंगे? जब तक आप खुद उस सच से न टकरा जाएं, तब तक तो नहीं। शायद मैं और काजल मेरठ से दिल्ली नए नए आए थे। असल में हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, मतलब वी वर इन लव। फिर जैसे ही मेरी दिल्ली में जॉब लगी, मैंने डैड को काजल के बारे में सब कुछ बताया और हमारी शादी हो गई। काजल बहुत सुंदर थी, एक्चुअली उसका घर, उसका स्टेटस सब हम लोगों से बहुत अच्छा था। पर मेरी गवर्नमेंट जॉब थी तो उसके घर वालों को भी ये रिश्ता अच्छा लगा। शादी हुई तो मेरे डैड ने गांव की जमीन बेचकर हमारे लिए दिल्ली के चंदन विहार में एक सिंगल बेडरूम वाला सुंदर सा घर ले लिया, हमारे सपनों का घर। पर यहाँ हमारे सामने अजीब मुसीबत आ गई। इस घर में कितनी भी कोशिश करो आग ही नहीं जलती थी। एलपीजी स्टोव या पूजा का दिया, गैस लाइटर, माचिस की तीली तक नहीं जलती थी। हमारी तो हालत खराब हो गई, सिर पकड़कर बैठने की नौबत आ गई। अब क्या करें अनिल, ये तो बैठे बिठाए प्रॉब्लम हो गई। यही तो, अगर कुछ जलेगा नहीं तो खाना कैसे बनेगा, और होटल से लाकर कितने दिन तक खा पाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे अभी नई नई जॉब थी, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी कि रोज रोज होटल में खा सकूं। और कुछ दिन के बाद काजल का जीना हराम हो गया। रात में अचानक चौंक कर उठ जाती। काजल, काजल, क्या हुआ काजल? कहनी नहीं? वो अब शायद कोई सपना देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर धीरे धीरे उसकी यह हालत हो गई कि रोज रात को जैसे ही उसकी आंख लगती वो फिर अचानक काजल, काजल, क्या हुआ काजल? आग, आग, काजल सुनो, कहाँ है? सुनो, वो चीखती, जलन से चटपटाती और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती। मैं बहुत ट्राई करता था कि उसकी परेशानी कम कर सकूं, पर कहीं आग दिखाई दे तब मैं उसे बुझाऊं ना। वह ऐसे तलपती जैसे किसी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। और आखिरकार जब मैं उस पर बाल्टी भर के पानी डालता तब जाकर वो अपने सपने से जागती। और जब मैंने इसके बारे में अपने नेबर्स से बात की तो मैं और परेशान हो गया। वो बोले कि असल में बेटा, यहां तुमसे पहले त्यागी जी की फैमिली रहा करती थी। वही त्यागी जी जो तुमको ये मकान बेच के गए हैं? हाँ हाँ। तो उसको ये मकान उसकी बहू, अरे क्या नाम था उसका, मधु, हाँ मधु, तो ये मकान उसकी बहू मधु को मिला था मधु के बाप से। मधु अपने बाप की अकेली औलाद थी ना। असल में इसी मकान के लालच में तो वो शादी हुई थी, क्योंकि मधु देखने भालने में कुछ खास नहीं थी बेटा। इसीलिए अब त्यागी और उसकी औरत बहू को सताने लगे कि बहू ये घर उसके नाम कर दे,
जिससे वो किसी दिन बहू को घर से निकाल दे और फिर घर भी उनका हो जाए और वो अपने बेटे की दोबारा शादी किसी मनचाही दुल्हन से कर ले। पर मधु समझ गई बेटा उनके मन में क्या है, तो उसने जिद पकड़ ली कि ना वो अपने बाप की निशानी ये घर किसी को देगी और ना ही इस घर से जाएगी। और आखिरकार जब त्यागी और उसकी औरत उसको भगाने में कामयाब नहीं हुए, तो ऐसा कहते हैं, मैं नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मिलकर मधु को जलाकर मार डाला बेटा। लेकिन भगवान जाने क्या बात हुई कि उसके कुछ ही दिन बाद त्यागी की फैमिली भी इस घर को छोड़ के चली गई। हमको भी लगा कि ये सब वही मधु कर रही है, सोचा कि शांति पाठ करा देंगे तो उस बेचारी औरत की आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमको भी छुटकारा मिल जाएगा इस मुसीबत से। तो पंडित जी को बुला लिया। ओम देव शांति रत्न रक्षा शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति साम शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। और जब पंडित जी ने मंत्र के साथ दिया जलाया तो दिया आराम से जल गया। आओ राठी जी हवन शुरू करते हैं। और फिर छोटी सी पूजा के बाद पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। ओम अमृतोपास्तरणम् असी स्वाहा ओम अमृतापिधानाम् असी स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। पर अभी हवन की जलती लपटों में उन्होंने स्वाहा करके आहुति डाली ही थी कि अचानक जोर की आंधी चलने लगी, जैसे आंधी हवन की अग्नि को बुझाना चाहती हो। और फिर अचानक पास के ओपन किचन से पानी की भरी बाल्टी उछली और सीधी हवन कुंड पर गिर गई, वो भी अपने आप। एक सेकंड में सारा घर तालाब बन गया। अरे ये हो गया रहा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान शिव 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 शिव, शिव, शिव। ये भूत भूत हमारे वश का नहीं है राठी साहब। भाई हम तो चलते हैं भाई, तुम जाना, तुम्हारा तुम्हारा काम जाने भैया। पंडित जी, अरे पंडित जी मेरी बात तो सुनिए, आप पूजा तो करके जाइए। अरे नहीं भैया नहीं, कोई 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 ओझा हो जा बुला लो, ये सब के लिए ये हम चला हो पाएगा, हम पंडित हैं भाई, कोई ओझा थोड़ी है भाई, हम चलते हैं। अरे हम पंडित जी से अपनी परेशानी कम होने की आस लगाए थे और उल्टा वो हमारी परेशानी और बढ़ाकर चले गए। पर सर, जब अगले दिन मैं घर की सफाई कर रहा था तो मुझे एक कोने में चूड़ियों के अधजले टुकड़े दिखाई दिए। मैंने उनको उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद तो काजल की हालत और खराब हो गई। उस सपना उसको दिन दहाड़े दिखाई देने लगा, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। बचाओ, बचाओ, पानी, पानी, बचाओ, चल, बचाओ, बचाओ, नहीं। मैं समझ गया कि जरूर उन चूड़ी के टुकड़ों का ही काजल की तबीयत से कुछ कनेक्शन है, तो फिर यहां जरूर उस मधु का कुछ और भी बचा होगा। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया और एक लकड़ी की बड़ी सी वार्डरोब हटाई तो उसके पीछे आग और धुएं से काली हुई दीवार दिखाई दी। ओह, तो क्या यहीं जलाया था त्यागी ने अपनी बहू को? वहीं दीवार पर मैंने कहीं कहीं कुछ चिपका हुआ देखा, शायद वो उसी औरत की अधजली स्किन थी। हे भगवान, ये क्या है? ये देख के एक बार तो मैं बहुत डर गया, पर फिर मुझे लगा कि अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उस औरत की एक एक निशानी मिटानी होगी। और मैंने दीवार को पानी से धोना और खुरचना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक किसी ने चीखते हुए पीछे से मेरे कंधे को ऐसे जोर से खींचा कि मैं सीधा सीढ़ी से नीचे जा गिरा घर के बाहर। नीचे गिरने के बाद जब मैं संभला तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, पर हां मेरे कंधे पर नाखूनों के खरोंचने के निशान थे।
जैसे किसी जंगली जानवर ने नोचा हो। उसके बाद काजल ऐसी बीमार हो गई कि उसका बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। बस वो बिस्तर पर लेटी रहती और चीखती रहती थी। जब काजल की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया, पर जब हम दोनों वापस लौटे तो कमाल हो गया। अरे ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हो गया? मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है, कोई अंदर से दरवाजा कैसे बंद कर सकता है? पर तभी जवाब में मुझे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, अजीब गुर्राने की आवाज। इसका मतलब कोई अंदर है। काजल, काजल तुम यहां आओ, यहां आराम से बैठो, मुझे लगता है अंदर कोई है, हो सकता है दरवाजा तोड़ना पड़े। और जब दरवाजा तोड़कर मैं अंदर गया, अरे यहां तो कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो रहा होगा ना, नहीं तो अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं परेशान हो गया था और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा था। कौन है, कौन है यहां? जवाब क्यों नहीं देते? किसकी आवाज आ रही थी? मैं कहता हूं मेरे सामने आओ, कौन है, सामने क्यों नहीं आते तुम? तभी पीछे से वो गुर्राने की आवाज फिर सुनाई थी। मैंने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं, वो काजल थी। काजल क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? उसकी शक्ल अजीब हो गई थी, जैसे उस पर कोई शैतानी साया आ गया हो। नहीं तुम काजल नहीं हो, नहीं तुम काजल नहीं हो, कौन हो तुम, कौन हो? मुझे निकालना चाहता है, मेरे घर से निकालना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहां से, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, देखो, जाएगा तू, तू जाएगा यहां से, समझा? और उसने मुझे उठाकर तिनके की तरह सामने वाली दीवार पर दे मारा। समझा तू? उसके बाद शाम को जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि काजल फर्श पर बेहोश पड़ी है। मैं बहुत डर गया, मैं एक पल भी वहां नहीं रुका, भागा भागा सीधा बदरपुर के पीर बाबा के पास चला गया और उन्हें बुलाकर ले आया। या मौला, तेरी रहमत तो यहां है वो रूह। बाबा, बाबा बस हमको इससे निजात दिलवा दो बाबा। इंशाल्लाह। मैंने पीर बाबा के साथ मिलकर काजल को बिस्तर पर लेटाया और उसको पलंग पे रस्सियों से कस कर जकड़ दिया। कस के बांधो, बहुत ताकत है इस रूह में, एक बार आजाद हो गई तो हम भी नहीं बचा पाएंगे तुझे। इसके बाद वो जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे और जैसे जैसे उनकी आवाज तेज होती गई काजल की बॉडी कांपने लगी और अचानक उसने अपनी सफेद आंखें खोली और गुर्राना शुरू कर दिया। उसने खुद को छुड़ाने की ऐसी कोशिश की कि पलंग खिलौने की तरह कांपने लगा। पलंग इधर उधर दीवारों और फर्श से टकरा कर भयानक आवाज कर रहा था। शोर सुनकर बाहर भीड़ लग गई। जा यहां से, चली जा, चली जा यहां से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं। ओ फिर मरेगी तू, नहीं, तू मरेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं। कुछ देर में पीर बाबा समझ गए थे कि इसे यहां से निकाल पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आजाद कर देता हूं तुझे, खोल दो इसकी रस्सी। हमने उसकी रस्सियां खोल दी और पीर बाबा उससे बोले, तुझे यहां से कोई नहीं निकालेगा बच्ची, पर इस हाजी का यकीन मान, तू मर चुकी है बच्ची, तू बस एक रूह भर है। ए मासूम रूह, मुझे इल्म है कि तुझे सुकून की नींद चाहिए, बोल तू कहां सोना चाहती है, कहां सुकून मिलेगा तुझे, बोल।
काजल ने उस तरफ इशारा किया जहां आग और धुएं के निशान थे। वहीं जली थी मैं, वहीं जली थी, वहीं सोंगी, वहीं सोंगी मैं। चैन से सोने दे मुझे, चैन से सोने दे। मत रो मासूम, तेरा खुदा तेरे साथ इंसाफ करेगा। तू जा, जाके सो जा, वहां सुकून से सो जा, जा। और सामने उसी जगह पर फर्श चटकने लगा। उसमें किसी औरत की शक्ल उभरी, जैसे वो वहां जाकर सो गई हो। और उधर वो सोई, इधर काजल बेहोश होकर बिस्तर पर गिरी, जैसे इतने दिन बाद वो भी चैन से सोना चाहती हो। पीर बाबा ने रूह की जगह को घेर दिया और हमसे वहीं उस रूह की मजार बनाने के लिए कहा। तब से बरसों बीत गए, आज भी घर के उस कोने में वो मजार बनी हुई है जिसपे मैं और काजल सुबह शाम अगरबत्ती जलाते हैं, जिसपे कभी कभी उस बेचारी औरत की शक्ल उभरी हुई दिखाई देती थी। करीब 1.5 साल के बाद हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ और जब हमने उसका नामकरण किया तो पता क्या नाम आया? मधु। और हमारी बच्ची के जन्म के बाद आज तक उस मजार पर वो शक्ल दोबारा कभी नहीं उभरी। सवाल है कि किसी रूह को भला किसी घर या कब्र की क्या जरूरत, क्योंकि रूह का तो कोई आकार नहीं होता। तो कहीं वो नए नए शादीशुदा पति पत्नी के नए शहर में आने का डर तो नहीं था जिसने पर्सोनिफाइड होकर मधु का रूप ले लिया? विज्ञान की माने तो ये पॉसिबल है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अनिल की बच्ची मधु का पुनर्जन्म थी? अगर हाँ तो सुकून से अपनी कब्र में सो रही मधु को अचानक एक नए शरीर की क्या जरूरत पड़ गई? हर घटना के कई पहलू होते हैं। आप सोचिए कि कहीं आपसे इस घटना का कोई पहलू छूट तो नहीं गया, क्योंकि कल रात मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद अनिल राठी की तरह आप भी कह पड़ेंगे। और आखिर में एक बात, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके घर के किसी दीवार पर कोई आकृति सी दिखाई दी है? अगर हाँ और फिर भी आप सुकून से सो रहे हैं तो फिलहाल आपका नसीब अच्छा है, क्योंकि अक्सर वो आकृतियां आपका वहम नहीं होती। ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।